देहरादून में बीजेपी की अहम बैठक खत्म, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून में बीजेपी की अहम बैठक चल रही थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। 23 विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ये बैठक रही। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। हार की समीक्षा की रिपोर्ट और वहीं बीएल संतोष को सौंपी गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक रही। तो बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे इस बैठक में। प्रभारी और सह प्रभारी दो दिवस के दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के दो दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किए। एक महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके खिलाफ चलने वाले व्यक्ति उनके विरुद्ध संगठन जो भी बैठ के निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब समीक्षा करने के लिए हमारे महामंत्री गए उनके सामने भी वो बातें आई, हमने लिखित में भी दे दिया और मौखिक रूप से बता दिया, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। कितनी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की? मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र में 5-7 लोग ऐसे हैं जो बड़े पदाधिकारी हैं और प्रदेश स्तर के लोग हैं। एक कुल निचोड़ तो यही था कि मुझे पतझड़ों की कहानियां ना सुना सुना के उदास कर, मुझे मौसमों का पता बता, जो गुजर गई तो गुजर गई। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अब आने वाले चुनाव में पार्टी कैसा मजबूत होगी की चिंता करनी है। ये बात ठीक है कि शिकायतें बहुत गई थी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया और मैं देख रहा हूँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन स्वयं आकर के एक एक हार हुए प्रत्याशी से पूछें कि भाई आपकी क्या हार की वजह रही है, क्या कारण थे, क्या समीकरण थे, क्या। जब समीक्षा होती बहुत से विषयों पर चर्चा होती है। क्या ये पार्टी का एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्या इस विधानसभा में प्रचंड बहुमत के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए, तो उसके सब प्रकार की समीक्षा हुई है जिसमें संगठनात्मक कमियां भी होंगी और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी की अपनी भी क्या क्या कमियां थी उस पर भी पहली बार सभी लोगों ने विश्वासपूर्वक बातें रखी है और मैं कह सकता हूं कि इसके कारण सुधार के अवसर मिलेंगे और हम सब लोगों ने त्याग की त्याग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, जानना चाहेंगे आपसे, देखिए अहम बैठक की रही और बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक में किन बिंदुओं पर जो चर्चा हुई है, क्या कुछ उसका मंथन निकल कर सामने आया है? दीपशिका, देखिए बहुत खास और महत्वपूर्ण ये बैठक थी क्योंकि 2 दिवसीय दौरा था बीएल संतोष का। सबसे खास तो इस पहलू में थी क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 23 विधानसभा की सीटें भाजपा जीत नहीं पाई थी, 47 विधानसभा जीत करके सत्ता में वापसी जरूर हुई थी, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी क्योंकि आरोप लग रहे थे कि जो पार्टी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी को हराने के लिए काम किया है, तो इस तरह भीतरघात के आरोप थे। इन आरोपों की रिपोर्ट पहुंच चुकी थी आलाकमान के पास भाजपा के, लेकिन एक्चुअल स्थिति जानने के लिए बीएल संतोष यहां पहुंचे कि उन आरोपों में कितना दम था। तो आज जो बैठक थी वो जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे फीडबैक लिया गया कि आखिर वजह क्या रही और कौन कौन वो लोग थे जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे हरवाने के, तो ये था। दूसरा, सरकार के जो कामकाज है एक महीने के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह के ठोस निर्णय लिए हैं, फैसले लिए हैं, वो जनता तक कैसे पहुंचाए जाए, तो कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि घर घर जाकर के या जनता के बीच में जाकर के जो सरकार के कामकाज है उनको बताया जाए। और दूसरा, क्योंकि अब उपचुनाव होने हैं दीपशिखा, एक उपचुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां की स्थितियां क्या रहने वाली हैं, किस तरह से जीत को दर्ज कराया जाए, तो इसको लेकर के खास बैठक रही है।
जी बिल्कुल, तो काफी अहम बैठक थी। और देखिए इस समय राव शफात अली कह सकते हैं विधानसभा चुनावों के बाद बैठकों का दौर जारी है, और कह सकते हैं कि क्या आने वाली बैठकों में और भी ऐसी रणनीतियां बनेंगी जिनसे अभी जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर पार्टी को और मजबूत बनाया जाए, या फिर जो प्रत्याशी इसमें उतरेंगे उनको लेकर और कुछ क्या कुछ सामने रह सकता है? देखिए ये तो बड़ा खास दौरा था क्योंकि बीएल संतोष खुद आए थे संगठन महामंत्री राष्ट्रीय, लेकिन सबसे खास ये कि उपचुनाव को लेकर के बैठक थी। दूसरा दीपशिखा क्या है, 2024 में लोकसभा के चुनाव आने हैं तो उसकी तैयारियां भी हैं। भाजपा की एक खास बात है कि भाजपा जीतने के बाद आराम नहीं करती, जैसे दूसरी विपक्षी पार्टियां आराम करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन भाजपा की एक खास बात रही है कि भाजपा जीतने के बाद तुरंत काम में लगती है। अब देखिए 23 विधायकों को, जो पूर्व के विधायक रहे हैं, जो हारने वाले विधायक हैं, उनको भी शामिल किया गया इस बैठक में। उनसे पूछा गया कि आखिर वजह क्या रही, और आने वाले वक्त में यानी 2024 में क्योंकि एक बड़ा टारगेट है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, जो इस तरह का भीतरघात हुआ है वो आने वाले वक्त में ना हो। तो ये तमाम जो डैमेज कंट्रोल है, कोई नेता अगर नाराज है उसको मनाने की कवायद चल रही है, कोई अगर पार्टी छोड़ना चाहता है उसकी फीडबैक ली जा रही है, तो अलग अलग तरीके से पार्टी अपना डाटा तैयार कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह जो बड़े नेता हैं केंद्र की तरफ से वो यहाँ उत्तराखंड में आते जाते रहेंगे। जी शुक्रिया राव शफात अली तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, भले बीजेपी ने जीत हासिल की हो।